नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। तो हम लोग रसायन शास्त्र का 9 अध्याय यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 3 अध्याय हम लोग पूरी तरह से देख चुके हैं। अब हम लोग जो पिछला वीडियो में समझ रहे थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे थे, परमाणु संरचना। तो पहले तो हम लोग देखे थे कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं, और फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन को और यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल में हम लोग बांटे थे फर्मियोन्स और बोसोन्स में, जिसमें हिग्स बोसोन के बारे में भी हम लोग देखे थे कि वो जो है किसी भी मैटर को मास प्रदान करता है, इसलिए उसको गॉड पार्टिकल के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन का वहाँ पे खोज हो गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, जे.जे. थॉम्सन के द्वारा और जेम्स चैडविक के द्वारा। अब हम लोगों को अगला स्टेप यहाँ पे जानना है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किस तरह से यहाँ पे सजे हुए रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक घर होता है तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक इंसान है तो उसका अपना एक बनावट है, शरीर का उसका एक बनावट है। तो इसी तरह जो एटम है उसका बनावट कैसा होगा, गोल होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, किस तरह से होगा, ऐसा वैज्ञानिकों ने खोजने का प्रयास किया। और इस प्रयास में सबसे पहला जो इस ओर जो पहला सबसे प्रयास था वो जे.जे. थॉम्सन का ही था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया वो तो फेल हो गया, लेकिन यहाँ प्रारंभिक मॉडल है इसलिए इसको हम लोगों को जानना है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे एक तरबूज लेते हैं तो तरबूज का जो लाल भाग होगा वो पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा और जो बीज होगा वो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। और इस तरह से ये मॉडल इन्होंने तरबूज मॉडल दिया। तरबूज मॉडल के जगह जगह कभी कभी हम लोगों को ऑप्शन में कभी दूसरा नाम भी मिल जाएगा, तो इसको और एक नाम से जानते हैं, प्लम और पुडिंग मॉडल मॉडल, और दूसरा इसको रेजिंग मॉडल के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहेगा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज हम लोग जैसे बना रहे थे तो उसमें इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ था, तरबूज मॉडल नहीं था। तो या तो आपको प्लम पुडिंग मिलेगा, या तो रेजिंग, या तो तरबूज, तीनों मॉडल एक ही को बोलते हैं, जो कि जे.जे. थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। जब ये मॉडल फेल हो गया तब यहाँ पे रदरफोर्ड आते हैं और उसके बाद गोल्ड फॉइल में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग करके। अल्फा पार्टिकल हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, या आप लोग का एमसीक्यू जो सीरीज था उसमें हम लोग देखे थे कि अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है, हीलियम 2+ आयन के बराबर होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल जो होता है, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यहाँ पे निकल रहे हैं, उसको यहाँ पे गोल्ड फॉइल जो कि बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मेलिएबल है, बहुत पतला हम लोग इसको कर सकते हैं, इसलिए इसमें बौछार करवाया जाता है और यहाँ पे फ्लोरोसेंट का जो कोटिंग है यहाँ पे कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ टकराएगा तो वो लाइट आएगा। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उसको बहुत सारा चीज़ कुछ घटना यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस घटना के आधार पे, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे वो कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग चलिए समझते हैं क्या यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम अगर हम देखें तो अल्फा पार्टिकल जो था वो कुछ जो होता है वो यहाँ पे डिफ्लैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर सेम चार्ज होता तभी डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक निष्कर्ष यहाँ पे निकला कि जो केंद्र में यहाँ पे चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पहला है कि केंद्र जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कण थे अल्फा पार्टिकल जो सीधे सीधे निकल गए। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे खाली स्थान होगा यानी कि स्पेस होगा, और इसीलिए ये जो है वो सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, एटम से अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं सीधे टर्न बैक हो जाते हैं, पूरी तरह से वापस लौट आते हैं। तो इन्होंने कहा, लेकिन ये जो था वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहा था, लगभग 12,000 कण जा रहे थे उसमें एक ही कण ऐसा जो था वो वापस आ रहा था। इसका मतलब ये जो केंद्र में जहाँ पे न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जिसको बाद में ये न्यूक्लियस बोलेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो बहुत ही छोटा होगा, इसीलिए 12,000 में मात्र एक कण जो है वो वापस आ रहा है। और बाद में ये बताते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस का जो आकार है, रेडियस है, उससे 10^5 गुना ये जो होगा आपका न्यूक्लियस जो है वो छोटा होगा, ऐसा इन्होंने बताया। तो 10^5 गुना छोटा होगा न्यूक्लियस एटम से, ये बताने वाले जो थे वो रदरफोर्ड ही थे। और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते हैं, और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एटम के जो
यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उसके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष में हम लोग यहाँ पे किताब में एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो तीन निष्कर्ष दिया है जो कि हम लोग समझ भी चुके हैं। परमाणु का केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे होते हैं, और जिसे नाभिक के कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के बारे में जो बताने वाले थे वो आपके रदरफोर्ड थे। परमाणु, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है नाभिक में ही होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिकीय के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और नाभिकीय का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, जो कि हम लोग देखें कि लगभग 10 का पावर 5 गुना ये छोटा होता है। और इस तरह से ये बताया जो स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। यहाँ पे आप केंद्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर यहाँ पे घूम रहे हैं। लेकिन इसमें एक कमी रह गया कि यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में जब घूमते हैं इसके चारों ओर, तो बोलता है कि ये रेडिएट, इसके जो एनर्जी होते हैं वो रेडिएट होते हैं, एनर्जी निकलते हैं, विकिरण होगा, और अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा, तब नाभिक से जाके टकरा जाएगा, और जब नाभिक से जाके कोई इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, और इस तरह से परमाणु क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, ऐसा हमको निष्कर्ष निकालना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग को पता है कि परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसीलिए इसमें कुछ कमी रह गया था जिसको दूर करने का प्रयास नील्स बोर करेंगे, और इस तरह से वो यहाँ पे अलग अलग कक्षा में अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसा वो बताएंगे। लेकिन बोर मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बोर मॉडल में क्या कमी रह गया था उसको समझने के लिए मैटर का ड्यूअल नेचर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कोई आप लोग में से बहुत कोई अपरिचित का जो मूवी आया था वो मूवी आप लोग देखे थे, जिसमें कभी वो हीरो जो था वो विलन को जब मारता है तो उसका जो कैरेक्टर होता है वो बदल जाता है, और कुछ समय पहले दूसरे समय में वो उसका कैरेक्टर कुछ दूसरा रहता है। मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन उसमें जो कैरेक्टर है वो दो तरह के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो मैटर में भी कुछ ऐसे ही होगा कि मैटर एक ही होगा लेकिन दो दो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो उसी को हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ड्यूअल मैटर ऑफ नेचर कहते हैं, यानी कि अभी हम लोग देखेंगे मास भी होगा और उसके साथ उसका आपका वेव का भी रूप आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले यहाँ मैक्सवेल के बारे में समझते हैं। जेम्स मैक्सवेल जो है वो बताते हैं कि अगर कोई यहाँ पे विद्युत आवेशित कण है, जो अगर मान के चलिए कोई भी एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पे आपका मान के चलिए चार्ज्ड है, और वो पार्टिकल को हम क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, एक्सेलरेट वहाँ पे करते हैं, तो वो जो है अल्टरनेट एकांतर रूप से एक विद्युत इलेक्ट्रिक क्षेत्र छोड़ेगा, और एक जो होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है, और इसी को हम लोग जो कहते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर इसको जाना जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। देखिए यहाँ पे ये जो फील्ड होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, विद्युतीय क्षेत्र, और ये जो है आपका फील्ड है वो चुंबकीय, तो जो कि अल्टरनेटिव यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसका एक उदाहरण जो है वो आपका लाइट जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैक्सवेल जो है यहाँ पे बताए थे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो न्यूटन जो है यहाँ पे कहते हैं कि जो लाइट है वो कणिकाएं या कॉर्पुकुलस से बना हुआ है, बाद में मैक्सवेल बोलते हैं ये जो है एक तरंग जो है दोलायमान होते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में देखे। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन कह रहे हैं कि कण होते हैं, कणिकाएं होते हैं, और बाद में कहा जा रहा है ये जो है वेव के रूप में रहते हैं, दोलायमान होते हैं। तो इसका मतलब लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर दिखा रहा है, वेव की तरह भी ये काम कर रहे हैं और पार्टिकल्स की तरह भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होगा उसका स्पीड यहाँ पे निकाला गया, तो जो लाइट का स्पीड हम लोग लिखते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वही है 3.0 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड का इनका क्या होता है, स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं। और इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, फिर आपका माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव है, और इस तरह से यहाँ पे अलग अलग स्पेक्ट्रम इसको बांटा जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और इसी में हम लोग स्पीड ऑफ लाइट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी से उसके वेव लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसी का भी हम लोग को स्पीड यहाँ पे पता चल जाएगा। तो निर्वात में जनरली सबका स्पीड जो रहता है वो लाइट के स्पीड के बराबर ही रहेगा। उसके बाद आते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक क्या कहेंगे कि जैसे लाइट को वहाँ पे मैक्सवेल जो बताते हैं बोलते हैं कि वेव के रूप में है, और न्यूटन बोले थे कि कण के रूप में है, तो इस तरह से यहाँ पे मैक्स प्लैंक आएंगे और यहाँ पे ये बताएंगे कि लाइट जो है वो छोटे छोटे कण जो होते हैं उसके रूप में निकलते हैं, और ये जो कण होते हैं वो एनर्जी पैकेट के रूप में निकलते हैं।
और इनको उन्होंने नाम दिया फोटोन। हम लोग पहले भी पढ़े थे कि लाइट जो है वो फोटोन से बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल में एक फोटोन जो है वो हम लोग देख चुके थे। तो इनका कहना है कि जब लाइट यहाँ से निकलता है तो ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, जो कि फिक्स एनर्जी इसमें रहता है। और ये एनर्जी जो है इसको निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, जिसको ई इज़क्ल टू एच वी या एच म्यू इसको कहेंगे। ये म्यू जो है आपका फ्रिक्वेंसी के यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी यहाँ पे लाइट होगा तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगा, और ये जो फ्रिक्वेंसी होगा उसको अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो एनर्जी के ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे। तो उस समानुपाती को दूर करने के लिए यहाँ पे एक हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो मैक्स प्लैंक के नाम से ही रखा गया एच कांस्टेंट, और इस तरह से इसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। आपका एमसीक्यू जब सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे मैक्स प्लैंक्स का, आपका प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पूछा गया था कि कितना होता है। तो आपको याद रखना है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड इसका मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट का इसका वैल्यू होता है। तो एमसीक्यूज जो सीरीज कर रहे थे हम लोग वहाँ पे इसको देखे थे, इसको ध्यान में आपको रखना है। तो इस तरह से लाइट को एक फोटोन एनर्जी के रूप में यहाँ पे बताया गया। बाद में इन्हीं का प्रयोग करते हुए आइंस्टाइन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि सोलर प्लेट में यहाँ पे यूज किया जाता है। एक फिक्स एनर्जी में कोई भी एक धातु रहेगा, यहाँ पे फिक्स एनर्जी में अगर एक फिक्स फ्रिक्वेंसी रहेगा तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं धातु में जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में लाइट को मारा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से निकलने लगेंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब बहना शुरू हो जाएगा तो विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित होने लगता है। तो इस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं। इससे संबंधित भी बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे जो कि हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये आपको बताने के लिए ये सब भी पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक सवाल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपका डाला गया है। तो चलिए अगला हम लोग यहाँ पे समझते हैं निल्स बोर के बारे में। तो अभी तक हम लोग इतना समझ गए कि लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर दिखाता है, और अभी आगे हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी ड्यूअल नेचर आपका दिखाएगा, यानी वेव के रूप में भी होंगे और पार्टिकल्स के रूप में। तो निल्स बोर जो देते हैं अपने यहाँ पे जो मॉडल देंगे, हाइड्रोजन की परमाणु संरचना या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षण की यहाँ पे मात्रात्मक व्याख्या करते हुए अपना जो ये थ्योरी देंगे या स्ट्रक्चर का जो अपना मॉडल देंगे 1913 में ये देंगे। इनके द्वारा कहा क्या गया, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित फिक्स्ड कक्षा में ही या सेल में ही ये क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन्हें विवक्त कक्षा के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं। और इस कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है वो रेडिएट नहीं होता है, जो कि यहाँ पे आपके रदरफोर्ड जो थे वहाँ पे उनका जो मॉडल था उसमें एनर्जी रेडिएट हो रहा था, ऐसा यहाँ पे था। तो यहाँ पे इनका कहना है कि एक निश्चित सेल में चलते हैं, और वो सेल में जब घूमते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। और इस तरह से इन्होंने जो सेल है उसका अलग अलग नाम दिया, ये फर्स्ट टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से यहाँ पे चलते जाएगा, या ये अंग्रेजी लेटर का हम लोग KLMN करके यहाँ पे दिया गया। उनके द्वारा जो बताया गया कि हर एक सेल में एक फिक्स इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके लिए एक फार्मूला दिया गया, और इससे संबंधित सवाल भी आपको पूछा गया था, वो है 2n², यानी कि अगर फर्स्ट सेल में हमको पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिंपली n का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, तो 2 × 1² = 2। इस तरह से अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मैक्सिमम कितना रख सकता है, 2। यही अगर हम दूसरा सेल में चले जाएं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8। यही अगर हम तीसरा सेल में यहाँ पे चले जाएं तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 9 2 = 18। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ आपका दिया गया है KLMN। तो अगर आपको पूछेगा K सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो 2, L में कितना है तो 8, और M में कितना है तो 18। इसी तरह से हम बाकी सेल का भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बोर मॉडल जो होता है ये भी आगे यहाँ पे बहुत दिन तक, या इसमें भी कुछ ना कुछ खामी आपको देखने को मिल जाएगा, और इसीलिए बोर मॉडल से हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो बोर बोरी मॉडल से हम लोग 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो कि आपका क्लास 9th-10th में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 1 होगा, हीलियम है तो फर्स्ट सेल में आपका कितना रहेगा, 2, लिथियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 1 हो जाएगा, बेरिलियम का आपका 2 और 2 हो जाएगा, बोरोन का हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, उसी तरह से कार्बन हो जाएगा 2 और 4, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा 2 5, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 6। इस तरह से हम लोग आगे 18 तक यहाँ पे
करते चल जाएंगे। जैसे सोडियम में 11 होता है तो 2, 8 और 1, तो सेकंड सेल में जो रहेगा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। लेकिन एक चीज इन्होंने और भी कहा कि लास्ट सेल में अगर कोई ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो बोर मॉडल ये था, लेकिन बोर मॉडल जो था उसमें भी कुछ खामी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आगे कुछ वैज्ञानिक आएंगे और नया कुछ थ्योरी यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो एक वैज्ञानिक आते हैं डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली जो है यहाँ पे जैसे कि बोला गया था कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर दिखाता है। तो ब्रॉगली का कहना है कि जैसे लाइट ड्यूअल नेचर दिखाता है, जो वेव था वो कण कण नेचर अगर दिखा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक कण है जिसका मास जो है बहुत कम है, लगभग निग्लिजिबल है, तो उसको भी एक वेव का फॉर्म दिखाना चाहिए। मतलब एकदम उल्टा, जैसे लाइट पार्टिकल्स के रूप में अगर है तो पार्टिकल्स जो है वो वेव के रूप में होंगे, ऐसा कहना था डी ब्रॉगली का। और इस तरह से यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है कि विकिरण की तरह द्रव्य को द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। द्वैत मतलब वही हो गया ड्यूअल नेचर यहाँ पे करना चाहिए, द्रव मतलब हो गया मैटर, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन जो है ये सब मैटर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इनको जो है ड्यूअल नेचर व्यवहार करना चाहिए, और इसीलिए कहते हैं कि द्रव यानी मैटर जो है ये कण और तरंग दोनों तरह के गुण होने चाहिए। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक पार्टिकल का भी गुण होगा, कण का भी गुण होगा, और तरंग यानी कि एक वेव का भी गुण होगा। और इस तरह से यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट बोलते हैं लाइट का। तो जैसे लाइट ड्यूअल नेचर दिखा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन भी जो होगा उसमें भी कहना है कि एक पार्टिकल है, और पार्टिकल में क्या होता है, संवेग होता है, वहाँ पे मास होता है, उसका मोमेंटम यहाँ पे हम उसका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक वेव है, तो वेव में क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन का इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करेगा और वेव के जैसा भी बिहेव करेगा, और इसीलिए इसको ड्यूअल नेचर का बोला गया। और इस तरह से एक फॉर्मूला यहाँ पे ये देते हैं कि इसका जो लैम्डा है वो आपका h/m μ के बराबर होगा, जो कि mv के बराबर होगा, जो कि आपका यहाँ पे ये मोमेंटम के बारे में दिया गया था। आपको सीधे सीधे यहाँ पे पूछा जाएगा डी ब्रॉगली का क्या योगदान है, तो ये इन्होंने कण को वेव के रूप में बताया, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में बात करने वाले जो थे वो डी ब्रॉगली ही थे। उसके बाद हाइजेनबर्ग आते हैं, और हाइजेनबर्ग एक चीज बोलते हैं कि द्रव जो है और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप, एक जर्मन वैज्ञानिक जो कहते हैं 1927 में बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार एक इलेक्ट्रॉन या किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो पोजीशन है और उसका जो वेग है एक ही टाइम में हम उसको सही से निकाल नहीं सकते हैं। यानी अगर उसका हमको पोजीशन पता चल जाएगा तो उसका वेग हम नहीं निकाल सकते हैं, अगर वेग पता चल जाएगा तो उसका सही पोजीशन हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आपका बोर मॉडल में ये दो लक्षणों के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, या उसको ध्यान में नहीं रखा गया था, डी ब्रॉगली का जो मैटर का ड्यूअल नेचर था उसके बारे में, और दूसरा जो है यहाँ पे हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत था उसके बारे में इन्होंने ध्यान में अपने थ्योरी में ध्यान में नहीं रखा, और इसीलिए इसमें भी एक तरह का लिमिटेशन आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पे बोर मॉडल ना केवल द्रव्य के दोहरे व्यवहार की अनदेखी करता है बल्कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत की भी ये क्या है, विपरीत है। तो इसमें भी लिमिटेशन आपको देखने को मिल गया, और इसीलिए बोलता है कि द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर अब एक नया ही मैकेनिज्म मैकेनिक्स यहाँ पे, या एक नया ही एक ब्रांच आपका निकल के आता है जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पे या क्वांटम यांत्रिकी के तौर पे जानते हैं। इसमें क्वांटम नंबर यहाँ पे निकाला जाएगा, और क्वांटम नंबर से हमको पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन का लगभग संभवतः उसका क्या पोजीशन होना चाहिए, वो चीज़ हमको यहाँ पे पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक यहाँ पे सेल के अंदर सब सेल होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। आधुनिक जो भी यहाँ पे और भी बहुत सारे रिसर्च वगैरह हुए और बताया गया कि हाँ यहाँ पे सबका क्वांटम हम नंबर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का सही पोजीशन हमको पता चल जाएगा, और इससे हम लोग सेल के अंदर बहुत सारे सबसेल यहाँ पे हम लोग को जानकारी यहाँ पे हो जाता है, जिसको हम लोग SPDF में मिलते हैं के तौर पे जानते हैं। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है क्वांटम नंबर में यहाँ पे L से डिनोट किया गया है, ये एंगुलर मोमेंटम को दिखाता है, और N जो होता है वो सबसेल को दिखाता है, जैसे SPDF यहाँ वो सबसेल है,
और इस तरह से इसका शेप भी होता है, आपको शेप भी पूछा जाता है, जैसे एस जो है उसका शेप कैसा है, तो स्फेयर टाइप से है। अगर पी सब सेल का बात करें तो वो डम्बल टाइप से है, डी सब सेल का बात करें तो डबल डम्बल। ये सब एमसीक्यू में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर एफ जो है वो बहुत मोर कॉम्प्लेक्स होता है और मल्टीपल लॉब्स इसमें होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और नंबर ऑफ सबसेल के बारे में यहाँ पे बताया गया, और एक सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर एस सेल के बात करें तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में आपके 6 रह सकते हैं और डी में 10 रह सकते हैं और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये सबसेल क्या था, यहाँ पे थ्योरी आता है लास्ट में। और इस तरह से एक आता है अफबाउ प्रिंसिपल, और इसके अनुसार ही हम लोग, चूंकि बोर मॉडल तो 18 तक ही काम देता है, तो आगे अगर हम लोग को किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो नया एक थ्योरी लाना होगा। तो इस तरह से अफबाउ जो है, अफबाउ प्रिंसिपल दिया जाता है, उसमें बोला जाता है हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी में करते हैं। मतलब जो सेल होगा उसमें पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे, फिर हायर एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे। और इसके लिए कैसे जानेंगे कि कौन लोअर एनर्जी और कौन हायर एनर्जी, तो एनर्जी निकालने के लिए एन प्लस एल को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और जिसका जितना अधिक वैल्यू रहेगा, देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे क्या है, एन है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है। तो इस तरह से दोनों को ऐड करके हम देखेंगे, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा उसका एनर्जी हम मान के चलेंगे ज़्यादा आएगा। इस तरह से सबसे पहले हम उसी सब सेल को भरने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे देखिए 1s है, तो यहाँ पे s का अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 वैल्यू है, इसका 0, तो इसका वैल्यू कितना आया, 1, तो पहले 1s आएगा। वहीं 3s, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे देखिए तो 2 प्लस 0, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जो है 2 है, और l का वैल्यू यहाँ पे s का, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे ये क्या है आपका 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे 2p में आ गया, तो p में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 है और ये क्या है आपका 1 है, और इस तरह से इसका वैल्यू 3 आया। तो इस तरह से आपका एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन उस तरह से निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए एक तरीका दिया गया है कि यहाँ पे 1s हम लिखें, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इस तरह से सीधा सीधा हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे जितना भी आगे हम लोग को लिखना हो। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लिखेंगे 1s को लिखेंगे, उसके बाद देखिए दूसरा तीर चिन्ह किस में आ रहा है, 2s, फिर तीसरा किस में आ रहा है, 2p, फिर हम लोग को 3s। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करने के लिए दिया भी हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से अब 3s के बाद किसका नंबर आएगा, तो 3p को हम भरेंगे, फिर 4s को भरेंगे, फिर 3d, इस तरह से हम लोग भरेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो s जो है उसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम में देखिए 1s, और 1s के बाद सेकंड नंबर में कौन आता है, 2s, तो पहले 2s, इसमें भी 1 है। अब देखिए यहाँ बेरिलियम जो है इसमें 4 है, तो यहाँ पे s में पहला सेल में 2 और फिर दूसरा यहाँ पे 2s में भी 2 यहाँ पे भर दिए। अब यहाँ पे बोरोन पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे पहला सेल में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 होगा, 1s हो जाएगा, उसके बाद 2s हो जाएगा, और उसके बाद देखिए 2s के बाद तीसरा जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, p में, वो 2p में। तो p में तो हम लोग जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 होगा। इसी तरह से अगर हम भरते जाएँ तो हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो लोअर एनर्जी लेवल वाला है उसको पहले रखना है, और हायर एनर्जी लेवल है उसको बाहर बाद में रखना है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए और दो चीज़ों का ध्यान हम लोग को रखना होता है, एक है हुंस रूल को यहाँ पे ध्यान में रखना है। इनका कहना क्या है, हुंस रूल कभी कभी पूछता है आपको, तो आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में इस तरह के सवाल आते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे 2p दिया गया है और यहाँ पे जो है इसको 3 बॉक्स में यहाँ पे सजाया गया, तो सबसे पहले तीनों बॉक्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के को यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग हम शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, खाली है, और फिर पेयरिंग करना शुरू कर दे, तो ये जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से हुंड्स रूल क्या कहता है कि पहले सबने सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम फिल करें, फिर उसके बाद पेयरिंग यहाँ पे काम शुरू किया जाए। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा नियम है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करके यहाँ पे देता है, कि ये स्पिन के बारे में बात करता है। जैसे यहाँ पे देखिए अप, यहाँ पे जो एरो चिन्ह दिखा रहा है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन अप दिखा रहा है, जिसका +1/2 लिखा गया है, और यहाँ पे स्पिन डाउन दिखा रहा है जो कि -1/2 दिखा रहा है। इनका कहना है कि इस तरह का एक बॉक्स में एक अप रहेगा तो एक डाउन रहेगा,
एक अप एक डाउन, ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों का दोनों अप दिखा गया तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। यहाँ पे भी दोनों का दोनों डाउन दिखा गया तो इनकरेक्ट। तो स्पिन जो होता है वो डिफरेंट होगा, एक अप होगा एक डाउन होगा। इस तरह के भी एमसीक्यू आपके पूछे गए हैं और हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अबाउ प्रिंसिपल से, तो कुछ एक्सेप्शन आपको दिखाई देते हैं और वो एक्सेप्शन या अपवाद से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ जनरली होना चाहिए था 2 और यहाँ पे होना चाहिए था 9, लेकिन यहाँ कॉपर जो होता है वहाँ पे आपका ये एक्चुअली होता है, आपका पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह के जो अपवाद हैं उसको आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, क्योंकि इससे भी आपका, जैसे हम लोग जब क्वेश्चन बना रहे थे तो वहाँ पे देखिएगा तो कॉपर का आपका दिया गया था। अब देखिए, यहाँ पे आर्गन लिखा है, आर्गन लिखा है, यहाँ क्रिप्टन लिखा है, यानी कि आर्गन तक का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लेके चलेंगे, उसके बाद आगे का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे 18 है, तो 18 तक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले यहाँ पे कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 3D9 फिर 4S, इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज़ है। इसी आधार पे SPDF ब्लॉक में बांटा गया है। तो कभी कभी कुछ एलिमेंट दे देते हैं, जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें दिया था कॉपर कौन से ब्लॉक में है, तो डी ब्लॉक में है। तो इस तरह से यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जो है वो डी ब्लॉक में है, ये कलर वाले जो है वो एस ब्लॉक में है, ये पी ब्लॉक में है, और लास्ट में जो नीचे दिया जाता है वो आपके एफ ब्लॉक में आपके देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट का ये वीडियो देख लिया, जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझने का प्रयास किए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत अबाउ प्रिंसिपल सबको, हुंड्स रूल क्या होता है, ये सब सारा चीज़ को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास किए। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है, ये सब सारा चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।